यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चालान किए जाने से आक्रोशित महिला ने चौकी प्रभारी पर लगाया आरोप। मुफ्तीगंज, जौनपुर पुलिस केसीआरपीसी की धारा में 107, 116 और 151 की धाराओं में चालान किए जाने से आक्रोशित एक महिला ने उल्टे पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। महिला ने लाइन बाजार थाने के चौकिया पुलिस चौकी के प्रभारी चंदन राय और उनकी टीम के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट और लूटपाट करने का आरोप मध्य हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। मामला जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के चौकिया पुलिस चौकी का है। क्षेत्र के भक्तिपुर गांव की सुनीता मौर्य और उसके पति विजय बहादुर मौर्य ने पांडे पुरुषोत्तमपुर गाँव निवासी असलम से बीते दिनों 3,000 रूपए उधार लिया था। जानकारी के अनुसार महिला, उसका पति और उसका बेटा रविवार को धन्यपुर चौराहे पर स्थित असलम की बाल काटने वाली दुकान पर पहुंच गए और तकादा करने लगे। ग्राहकों के सामने तकादा करने से असलम ने मना किया। आरोप है कि महिला, उसके पति और बेटे ने असलम की पिटाई कर दी। सूचना पर चौकिया पुलिस चौकी प्रभारी चंदन कुमार राय अपनी टीम के सिपाही रोशन यादव, नीरज, तबरेज और हेमंत के साथ मौके पर पहुंच गए और महिला, उसके पति और बेटे को पकड़कर थाने ले गए और सीआरपीसी की धाराओं 107, 116 और 151 में चालान भेज दिया। शिकायत है कि चालान से आक्रोशित महिला पुलिस पर फर्जी आरोप मढ़ रही है। महिला ने पुलिस पर उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की, साथ ही पति और बेटे की पिटाई का झूठा आरोप लगा रही है। महिला का ये भी आरोप है कि चौकी प्रभारी ने उसके 3,000 रूपए भी छीन लिए। महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। दूसरी ओर आरोपी चौकी प्रभारी का कहना है कि चालान किए जाने से आक्रोशित महिला उस पर झूठा आरोप मढ़ रही है। जौनपुर से पंकज राय की खास रिपोर्ट।